आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,145 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 113 लोग संक्रमित। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन की चेन को तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही उपाय। दिल्ली में रोहिणी ब्लास्ट मामले में एक साइंटिस्ट गिरफ्तार, जांच में नहीं मिला टेरर एंगल। जेपी नड्डा हरिद्वार से शुरू करेंगे विजय संकल्प यात्रा, रोड शो से भरी जाएगी चुनावी हुंकार। बर्फबारी से सर्द हवाओं की चपेट में उत्तराखंड, मसूरी में तापमान -1 डिग्री, अगले 3 दिन के लिए ये चेतावनी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा आज हरिद्वार से रवाना होगी, जिसको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतदीप मैदान से रवाना करेंगे। ये यात्रा पूरे गढ़वाल मंडल से होते हुए उत्तरकाशी में समाप्त होगी। इसके अलावा 19 दिसंबर को बागेश्वर के कुमाऊं मंडल के लिए भी विजय संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। 18 तारीख को जो विजय संकल्प यात्रा हम गढ़वाल की प्रारंभ करेंगे, उसका प्रारंभ हरिद्वार से होगा। 17 तारीख को 3 बजे हम लोग रथ का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ। पूजन करने के बाद 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और मैं, हम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होगा और समापन उत्तरकाशी में होगा। इसी प्रकार से दूसरी यात्रा 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर से शुरू होगी और उसका समापन खटीमा में होगा। इस यात्रा में एक पूरी भव्यता दिव्यता, ये यात्रा के 4-5 प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं, वो सब हर विधानसभा में इसकी भव्य तैयारी और इस रूप में की गई है। मैं समझता हूँ कि चुनाव की दृष्टि से ये हमारा चुनाव आचार संहिता से पहले। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा के एम्स इंटर कॉलेज में आयोजित एडम्स इंटर कॉलेज में आयोजित आपकी चुनावी जनसभा में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है और आगामी 2022 चुनाव में आप उत्तराखंड का विकल्प बनेगी। मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और उत्तराखंड की जनता से अपील करने आया हूँ कि एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को भी मौका देके देखिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया, बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया, फिर कांग्रेस को मौका दिया, फिर बीजेपी को मौका दिया, हर बार धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियां, ना स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, ना अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी, ना रोजगार के लिए कुछ करेंगी, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगी, ना महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, ना बुजुर्गों के लिए कुछ करेंगी, ये धोखा देती रहेंगी। आप आम आदमी पार्टी को मौका देके देखिए, आप हमेशा के लिए। सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए धर्मनगरी हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में 3 दिवसीय धर्म संसद का शुभारंभ हुआ। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में शुरू हुआ इस धर्म संसद कार्यक्रम में कई संत और आम लोग शामिल हो रहे हैं। धर्म संसद के तीसरे दिन संसद एक धर्म आदेश जारी किया जाएगा, जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं इस अवसर पर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा करना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना ही इस धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है और इस धर्म संसद के तीसरे दिन एक धर्म आदेश जारी किया जाएगा। पॉपुलर होती है और सरकार से इस तरह की अपेक्षा करना भी नहीं चाहिए। उसी में से कोई वीर बहादुर निकल जाता है आसाम के मुख्यमंत्री की तरह, जो तत्काल, और यह गौरव है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। हम लोग सबके हैं,
हम लोग किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा, संरक्षा और सुरक्षा करना और हिंदू राष्ट्र की संरचना करना, यही इस धर्म संसद का उद्देश्य है। मेरे ख्याल से 3 दिन बाद जब आपको धर्मादेश मिलेगा, मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि उस धर्मादेश को भी मीडिया के सामने सार्वजनिक किया। एजेंडा केवल एक है, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम 2029 से पहले कुछ भी नहीं कर पाए तो सनातन के विनाश को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत दुखद होगा और ये युवा सन्यासी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनके कंधों पर इसका पूरा बोझ है। ये लोग धर्म संसद कर रहे हैं, मैं तो केवल। चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। यहां नेपाल से आ रहे 25 लोग एक ही दिन में संक्रमित पाए गए। खास बात यह है कि इनमें भारत नेपाल मैत्री बस सेवा में सवार 14 यात्री भी संक्रमित हैं। एक साथ कोरोना के कितने मामले सामने आने पर प्रशासन ने मैत्री बसों को नेपाल वापस लौटा दिया है। 6 बसों में नेपाल से आए लोगों की जांच भी की गई। भारत नेपाल सीमा खुलने के बाद देश में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। करीब 1 महीने पहले ही दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामान्य आवाजाही शुरू हुई थी। भारत नेपाल सीमा के बनबसा पोस्ट पे कल काफी लोग जो नेपाल से भारत में आ रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसमें कई वो लोग भी शामिल हैं जो मैत्री सेवा के थ्रू इंडिया में आ रहे थे। हमारे द्वारा वहाँ पे पूर्व में ही कोविड चेकिंग करी जा रही है, जिसमें कि ये लोग पकड़े गए हैं। ऐसे लोग जो कि कोविड पॉजिटिव आए उनको हमने वापस भेजा है, कुछ बसें भी हमने वापस करी हैं और हम लोगों ने अभी चेकिंग और जो हमारी सैंपलिंग है उसे और बढ़ाया है, ताकि यदि और भी कोई इस तरीके के पॉजिटिव लोग आते हैं तो उनकी जांच हो सके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके। धनौरी में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। एक कार तेज गति से धनौरी भगवानपुर मार्ग पर जैसे ही धनौरी ओबीसी बैंक तिराहे पर पहुंची, उसी समय दूसरी ओर से आ रही ट्रक से घूम पर जा टकराई, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक की धीमी रफ्तार और घूम के कारण कार चालक की जान बच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने जब कार चालक को कार से बाहर निकाला तो वो नशे की हालत में पाया गया। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलने के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य चोटियों में हिमपात हो रहा है और मैदानों में सर्द हवाएं दुश्वारियां बढ़ा रही हैं। मसूरी में तापमान -1 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन शीत लहर चलने की आशंका जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो सर्द हवाएं लगातार परेशानियां बढ़ा रही हैं उत्तराखंड में, जहां एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। मौसम ने करवट बदल ली है, कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य चोटियों में हिमपात हो रहा है और मैदान में सर्द हवाएं दुश्वारियां बढ़ा रही हैं। मसूरी में तापमान -1 डिग्री पहुंच गया है और चेतावनी भी जारी की गई है कुछ दिनों के लिए। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर चलने की आशंका जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रति विशेष सतर्कता बढ़ने की जरूरत है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।